नमस्कार साथियों, चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की बायोग्राफी के बारे में। इनके जीवन परिचय के बारे में एक हम लोग सामान्य जानकारी देखेंगे। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं, जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, इतिहास में जो भी चर्चित व्यक्ति रहे हैं, उन सब की हम लोगों ने बायोग्राफी कवर की हुई है। तो बायोग्राफी के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। और आजकल आप देख रहे होंगे कि देश भर में योगी आदित्यनाथ छाए हुए हैं, और 2022 में आप देख रहे हैं कि चुनाव भी हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के। तो आप देखिए फिर से मुख्यमंत्री बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो ये देख लीजिए, इनकी ये फोटो है योगी आदित्यनाथ साहब की। अगर इनके पूरे नाम की हम लोग बात करें, इनका पूरा नाम है अजय मोहन बिष्ट, और इन्हें आप लोग शॉर्ट में कह देते हैं योगी आदित्यनाथ, आप लोग इन्हें योगी भी कह देते हैं, ठीक है। तो इनका पूरा नाम लेकिन अजय मोहन बिष्ट है। और इनके अगर हम लोग जन्म की बात करें तो आप लोग देखेंगे जन्म इनका हुआ था 5 जून 1972 को। 5 जून 1972 को कहाँ हुआ था? इनका जन्म स्थान है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। याद रखिए ये उत्तराखंड से आते हैं, यहां आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड, ठीक है। और अभी मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं आपको। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा 24 जनवरी 1950 को मिला था। और उत्तर प्रदेश से अगर हम लगे राज्यों की बात करें, क्योंकि आप देखते हैं कई बार आपकी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो आपको मालूम होना चाहिए उत्तराखंड से भी लगती है इसकी सीमा, आपको मालूम होना चाहिए हिमाचल प्रदेश से भी लगती है, हरियाणा से भी लगती है, दिल्ली से लगती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और इसमें आप देखेंगे छत्तीसगढ़ से भी लगती है, झारखंड से भी और बिहार से, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो केवल एक देश नेपाल से लगती है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और आपको उत्तर प्रदेश में मालूम होगा कि विधान परिषद सीटें, विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 100, विधानसभा 403 और राज्यसभा 31, लोकसभा 80। यानी कि आप कहिए कि सबसे ज़्यादा सभी सीटें यहाँ हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि हर राजनीतिक पार्टी की नज़रें उत्तर प्रदेश पर होती हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव जीत लिया अच्छे से, तो आधा तो उन्होंने आधा एक तरह से चुनाव जीत ही चुके हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, ठीक है। और इनकी अगर हम लोग योगी आदित्यनाथ की माता की बात करें तो सावित्री देवी इनकी माँ का नाम है, और पिताजी की बात करें तो स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट इनके पिता का नाम है, ठीक है। और इनके विद्यालय की बात करें कि इन्होंने शुरुआत की पढ़ाई कहाँ की, तो ये प्राथमिक शिक्षा पौड़ी उत्तराखंड में। उसके बाद आप देखेंगे कॉलेज भी इन्होंने किया हुआ है, इससे आपको पता चलता है कि पढ़े लिखे हैं, गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड से। और इनकी शैक्षिक योग्यता है गणित में स्नातक यानी कि BSc की हुई है। और ऐसा माना जाता है, पढ़ रहा था इनके बारे में कहीं, कि जब MSc मैथ से MSc कर रहे थे तब इन्होंने संन्यास लिया था, यानी कि हिंदू धर्म में जो इस तरह से महंत बने हुए हैं उसी समय की बात है, ठीक है। अगर आपसे कभी कोई पूछे आध्यात्मिक गुरु कौन है इनके, तो ये है महंत अवैधनाथ महाराज, इनके आध्यात्मिक गुरु हैं। इनकी अगर हम लोग बात करें शौक की, कि अभिरुचि इनकी क्या क्या शौक है, तो ये तैराकी, बैडमिंटन खेलना और पशुओं के साथ खेलना। आप देखते हैं कि इन गायों से काफी प्रेम है, ठीक है। और इनके व्यवसाय की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय राजनेता है और धार्मिक मिशनरी यानी कि कट्टर हिंदू भी हैं, ठीक है। और BJP पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये भी आप लोग याद रखिए। सबसे जरूरी होता है इनकी राजनीतिक यात्रा, कि इन्हें किस तरह से इन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, क्या कभी हारे भी हैं। तो आप देखेंगे 1996 में वह महंत अवध्यानाथ के चुनाव अभियान के प्रबंधन प्रभारी बने, पर आप देखेंगे 1998 की बात है, 26 वर्ष की आयु में वह 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद बने। कहाँ से? गोरखपुर से।
और आप सभी लोग जानते हैं कि 25, जिसकी आयु 25 वर्ष हो जाती है, वो लोकसभा सदस्य या लोकसभा चुनाव लड़ने के काबिल हो जाता है, योग्यता रख लेता है वो, ठीक है। और आप जानते हैं राज्यसभा की बात करें तो 30 साल, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनना है तो 35 साल, ठीक है। तो सबसे पहले 1998 में ये सबसे कम उम्र के सांसद बनते हैं, लोकसभा से जाते हैं। और आप देखेंगे 1998 में, 1998 से 99 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य आपूर्ति व नागरिक आपूर्ति की उप समिति बी में काम भी इन्होंने किया, और इसके साथ उन्होंने शर्करा और खाद्य तेल विभाग में भी काम किया। वह गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति में भी सदस्य रहे हैं, 1998 से 99 की बात है। फिर आप जानते हैं कि 1999 में फिर से चुनाव होता है, और 13वीं लोकसभा का, इसमें भी वो गोरखपुर क्षेत्र से पुनः चुने जाते हैं, तो अभी तक लगभग वो जीतते आ रहे हैं। फिर आप देखते हैं कि अप्रैल 2002 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई, जो काफी आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में चर्चा में बनी रहती है, और सक्रिय भी है उत्तर प्रदेश में ही, खासकर आप देखेंगे। फिर आप देखेंगे 2004 में होते हैं 14वीं लोकसभा के चुनाव, और इसमें आप देखेंगे गोरखपुर क्षेत्र से ये दोबारा फिर से चुने जाते हैं तीसरी बार, ठीक है, जहां उन्होंने सरकारी आश्वासन समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया। इसके साथ साथ आप देखेंगे विदेश मामलों की समिति में भी सदस्य के रूप में काम किया। फिर आप देखते हैं कि 2009 में 15वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं, और इसमें आप देखेंगे गोरखपुर क्षेत्र से वो पुनः चुने जाते हैं, जहां उन्होंने परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी समितियों में काम किया। फिर आप देखेंगे 2014 में होता है, जिसमें आप देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी साहब आते हैं, तो इस समय ये गोरखपुर निर्वाचन से 16वीं लोकसभा के लिए चुने जाते हैं फिर से, ठीक है। और आप देखते हैं कि 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव होते हैं, और आपने देखा होगा कि बीजेपी को बहुमत मिलता है, और ये 21वें मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तर प्रदेश के 19 मार्च 2017 को। और आप लोगों को देखिए, चुनाव रिजल्ट के आने तक मालूम ही नहीं था कि बीजेपी से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, केशव प्रसाद मौर्य की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन आपने देखा है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं। और यहाँ दो चार पॉइंट और याद रखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश आप देखते हैं कि विशेष महत्व रखता है सबके लिए। अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली मुख्यमंत्री कौन थी और किस राज्य की थी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सुचेता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश से ही पहली बार मुख्यमंत्री कोई महिला बनी थी भारत में। और अगर हम लोग राज्यपाल की बात करें तो सरोजनी नायडू, ये भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से ही पहली बार महिला कोई भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी। और वैसे उत्तर प्रदेश की अगर पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो ये तो यात्रा, राजनीतिक सफर एक तरह से, ठीक है। इन पर कुछ विवाद भी रहे हैं, क्या है विवाद भी इन पर काफी रहे हैं। विवादों की अगर हम बात करें तो इसमें योगी अन्य धार्मिक लोगों के धर्मांतरण कराने के लिए विवादों में रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कट्टर हिंदू हिंदुत्व रखते हैं एक तरह से, इस तरह की भावनाएं। और 2005 में आपने देखा होगा कि आदित्यनाथ ने कथित रूप से एक शुद्धि अभियान का नेतृत्व किया, जिसमें ईसाइयों को हिंदू धर्म के रूपांतरण में शामिल किया गया था। और एक ऐसे उदाहरण में उत्तर प्रदेश के एटा शहर में 1800 यानी कि 1800 ईसाई कथित रूप से हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए थे, ये भी विवाद रहा है। फिर आपने देखा होगा जनवरी 2007 में गोरखपुर में मुहर्रम के दौरान एक हिंदू समूह और मुसलमान के बीच विवाद होने से राजकुमार अग्राही नामक व्यक्ति के घायल होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उन्हें उन उत्तेजक भाषणों के लिए गिरफ्तार भी किया गया, जिनकी वजह से गोरखपुर में दंगे भड़के थे, तो इसमें भी इनका नाम जोड़ा जाता है। और 2015 में आप देखेंगे योगी विवादों में आ गए, उन्होंने एक टिप्पणी की थी, जो व्यक्ति योग के कारण सूर्य नमस्कार का विरोध करते हैं वह भारत छोड़ सकते हैं, कि वही हाल है कि वंदे मातरम जो नहीं बोलेगा वो भारत छोड़ सकता है, इस तरह की आप देखते हैं कि टीका टिप्पणी चलते रहते हैं, तो इसमें भी इनका नाम था।
और उन्होंने कहा जो लोग सूर्य नमस्कार के रूप में सूर्य भगवान में सांप्रदायिकता देखते हैं, उन्हें उनके लिए मेरा अनुरोध है कि वह अपने जीवन को त्याग दें। तो इस तरह के विवाद से भी जुड़े रहे। एक और विवाद इनका भी जुड़े रहे, मीडिया में असहिष्णुता के संबंध में योगी आदित्यनाथ ने शाहरुख खान पर विवाद, इस पर टिप्पणी से विवादों में रहे हैं। शाहरुख खान आप जानते होंगे, बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान की तुलना पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद से की थी, और उन्होंने कहा था कि शाहरुख खान को यह याद रखना चाहिए कि भारत की बहुसंख्यक आबादी ने ही उन्हें स्टार बनाया है, यदि वे सब लोग उनकी फिल्मों का बहिष्कार करेंगे तो उन्हें सड़कों पर घूमना पड़ेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि शाहरुख हाफिज सईद की बाड़ी बोल रहे हैं। इस तरह की, देखिए नेता हैं तो आप समझिए कि इस तरह के भाषण उनके लिए जायज भी माने जाते हैं नेताओं के लिए, क्योंकि उन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है, समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने देखा है कि कुछ उनने बड़े फैसले भी लिए हुए हैं, जिनमें एक फैसला आप लोगों को भी मतलब खटका होगा। एक तो आपने देखा होगा अवैध कसाई खानों को बंद भी करवाया इन्होंने इनके कार्यकाल में, और गाय की तस्करी पर रोक भी लगवाया इन्होंने। एक तीसरा और सबसे जो आप लोगों को भी खटका होगा, लड़कियों के छिड़ने वाले मनचलों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड नाम की टीम बनाई गई थी, और इसमें आपने देखा है कि अगर कोई, काफी आपने देखा है चर्चा में भी होना रहा है, सरकारी कार्यालय में किसी कर्मचारी को पान या तंबाकू खाने की इजाजत नहीं होगी, ये भी उन्हीं का निर्णय था मुख्यमंत्री बनने के बाद। सभी मंत्रियों को उनके व्यक्तिगत सभी अचल और चल धन संपत्ति का सारा ब्यौरा 15 दिन के अंदर मंगवाया इन्होंने। योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के सभी मंत्रियों को निर्देश दिया कि वो बिना सोचे समझे कोई बयान ना दे। आपने देखा होगा अयोध्या में एक विशाल रामायण म्यूजियम के निर्माण की बात भी कही है, किसने, योगी आदित्यनाथ ने। तो यही कहानी है उनके जीवन की और उनके एक तरह से आप कहिए राजनीतिक सफर, विवाद और उनके कुछ फैसले। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी याद रखिएगा। देखिए वैसे जीव सभी की पूरी जीवन कथा कवर कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन वही पॉइंट निकाल के रख दिए जाते हैं आप लोगों के सामने, जिससे क्या है कि आपको उसके बारे में एक सामान्य सी जानकारी मालूम हो, ठीक है। अगर कोई पूछता है तो आप आसानी से उसके बारे में जवाब दे पाए, ठीक है। अगर कोई और नेता की बायोग्राफी कवर करनी हो तो बताइएगा, उसकी भी कर लेंगे हम लोग।